चरक संहिता पढ़ी मैंने, कहीं भी मसाला नहीं है उसमें। सुश्रुत में कहीं मसाला नहीं है, बागवट की कहीं मसाला नहीं है, पुराने जितने लेखक हुए हैं ना दसवीं शताब्दी के पहले के, कहीं भी किसी ने मसाले शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। हर जगह है तो औषधि है, औषधि औषधि, जीरा औषधि, धनिया औषधि, ये औषधि के रूप में है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं रसोई घर की औषधियों की, ये सब आपके चिकित्सा के लिए है। अब मुझे समझ में आता है कि हमारे पुराने जमाने की माताएं बहनें जो हमारी दादी हैं नानी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बेटियों को जो कुछ सिखाया, सब्जी बनाना तो क्या क्या डालना, जीरा चाहिए, धनिया चाहिए, हींग चाहिए, मात्रा कितनी कितनी चाहिए, वो सब बड़े वैज्ञानिक और चिकित्सक लोग रहे होंगे। क्योंकि रोज हमारे शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति सम और असम होती रहती है। आप जानते हैं सुबह जो है ना वात ज्यादा होता है शरीर में, सुबह सुबह, दोपहर को पित्त ज्यादा होता है, शाम को कफ ज्यादा होता है। तो ये पूरे 24 घंटे में ऊपर नीचे होता रहता है। तो 24 घंटे में जो वात पित्त कफ ऊपर नीचे होता रहता है, तो सब्जियों में उसी के हिसाब से औषधियां डाली जाती है। जैसे दोपहर की सब्जी बने, दोपहर की, तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दोपहर की सब्जी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें, और वही सब्जी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती।